दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय नगर परिषद पांटा साहिब। पांटा साहिब में चल रहे ऐतिहासिक मेले में व्यापारियों से ठेकेदार प्लॉट के दाम तय दरों से ज्यादा वसूल रहा है। ऐसी शिकायत कुछ व्यापारियों ने ईओ नगर परिषद एसएस नेगी को दी है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की बात कही है। पामता में हर साल आयोजित होने वाले होली मेले में व्यापारियों को प्लॉट आवंटित किए जाते हैं। इस बार कर्मियों की कमी के कारण नगर परिषद ने दुकानों के प्लॉट का भी ठेका दे दिया, लेकिन साथ ही शर्तें रखी कि दुकानों के दाम नगर परिषद तय करेगी और ठेकेदार उससे अधिक दाम पर दुकानें नहीं देगा। लेकिन ठेकेदार ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तय रेट से दुगने दाम पर दुकानें आवंटित की है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें मेले में व्यापार करना है, इसलिए मजबूरन महंगे दामों पर प्लॉट लेना पड़ा, लेकिन उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह अगले साल नहीं आ पाएंगे। वैसे आज तक मेरे पास इस तरह का कोई रिटर्न में शिकायत नहीं आया कि वहाँ प्लॉट का चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ, एक मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, मैं उसका छानबीन करता हूँ कि क्या यह सत्य है या क्या है। अगर सत्य पाया जाता है तो उस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई अमल में आएगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पौमता साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद पौमता साहिब की ओर से 21 मार्च से 30 मार्च 2019 तक मनाए जा रहे होला मोहल्ला के पावन पर्व पर समस्त प्रदेश व पौमता वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद पौमता साहिब स्थानीय जनता व मेले में आने वाले सभी लोगों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग के लिए अपील करती है।